आपने देखा, मैंने बहुत कोशिश की थी अपनी जेट में भरने की, लेकिन मेरी जेट में नहीं आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू और आप देख रहे हो पिंटू ब्लॉग। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको मैं एक चमत्कारी जगह दिखाने वाला हूँ। यस, वहाँ पर एक शिवलिंग रखा हुआ है। अगर आप उस शिवलिंग को जाकर के डायरेक्ट अपनी जेट में भरते हो तो आपके वो जेट में आ जाएंगे। अगर आप किसी से चैलेंज करते हो, अरे यार इतना सही तो काम है, बस शिवलिंग को अपने जेट में भरना है, तो आपके वो जो है आपके जेट में नहीं आएंगे। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस, जो शिवलिंग है ये पड़ता है जलेसर रोड पर, वहाँ पर एक महादेव का मंदिर है और पटना पश्चिम बिहार के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलते हैं, यहाँ से मेरे घर से डिस्टेंस है 35 किलोमीटर के करीब, तो चलते हैं और हम मिलेंगे अब सिकंदराव। ये सिकंदराव चौराया है और आप सामने देख सकते हो यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है और चारों तरफ यहाँ से रोड गए हैं, आप देख ही पा रहे होंगे। और ये देख सकते हो ये वाला जो रोड है ये काशी की तरफ से आया और सिकंदराव होता हुआ ये हाथरस की तरफ जाता है, इधर हाथरस पड़ता है। ओके, और ये इधर से जो ट्रक आ रहे हैं ये अलीगढ़ से रोड आता है और ये एटा की तरफ जाता है, इधर एटा पड़ता है। चौराहे पर आपको आने, यहाँ से आपको जलेसर रोड जाना है, तो जलेसर रोड यहाँ से पड़ता है 2 किलोमीटर। तो यहाँ से आप बैटरी रिक्शे से जा सकते हो, यहाँ पर आपको बैटरी रिक्शे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप बैटरी रिक्शे से निकल सकते हो। तो मैं यहाँ से बैटरी रिक्शे से जाऊँगा, ये खड़ा हुआ है, तो चलते हैं। यहाँ से पत्थर से देगा बैटरी रिक्शे वाला और आपको जलेसर रोड छोड़ देगा। तो गाइस, ये है जलेसर रोड और ये रोड जो है सिकंदराव चौराहे से ओनली 2 किलोमीटर पड़ता है। अगर वहाँ से आप बैटरी रिक्शे से आना चाहते हो तो बैटरी रिक्शे से आ सकते हो और पैदल आना चाहते हो पैदल भी आ सकते हो, कोई ज़्यादा दूर नहीं है तो आप पैदल भी आ सकते हो। और यहाँ से आपको जो है जलेसर के लिए बस मिल जाएंगी। तो अभी चलते हैं यहाँ से और मैं यहाँ से पटना पश्चिम बिहार के लिए बस पकड़ता हूँ। यहाँ से पटना पश्चिम ओनली 20 किलोमीटर है, यानी कि 20 किलोमीटर है यहाँ से ओनली। तो अभी यहाँ से बस रेडी खड़ी हुई है और चलते हैं। तो गाइस, ये जाएगी पटना पश्चिम बिहार। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, पटना पश्चिम बिहार लिखा हुआ है, जनपद एटा, ठीक है। और ये है जो पटना पश्चिम बिहार है, इसके अंदर है, ये उसका मेन गेट है, यहाँ से जो है अंदर जाते हैं। और यहाँ पर बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हो इस पर लिखा हुआ पटना पश्चिम बिहार जलेसर एटा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो पक्षी वगैरह हैं और इसमें जो है झीलें वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एंड यहाँ पर एक भोले बाबा का भी चित्र बना हुआ है, जो इसके अंदर एक टेम्पल है, मंदिर है इसके अंदर। सो मैं आपको दिखाऊँगा, अंदर चलते हैं। अभी पहले मैं बाहर का भी आप दृश्य देख लो एक बार, बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार का है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो है खजूर के पेड़ देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा जो भाली तरफ है जो खजूर के पेड़ देखने को मिलेंगे और अंदर आपको आल प्रकार के पौधे देखने को मिल जाएंगे। तो हम चलते हैं अंदर, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। जब आप अंदर की तरफ आते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है पार्किंग देखने को मिलेगी, जो मेन गेट है वहाँ से 200-300 मीटर के करीब अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको पार्किंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो भी आप 2-व्हीलर या 4-व्हीलर गाड़ी लेके आते हो तो यहाँ पर पार्क कर सकते हो, ये है पार्किंग यहाँ की। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, पार्किंग जो चार्ज है उस पर सब लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ पास जाके। और जो सामने आप देख पा रहे हो जो है महादेव का टेम्पल, वहाँ पर जो है मंदिर है सामने। तो अभी चलते हैं अंदर, पहले मैं आपको जो है यहाँ का चार्ज है वो दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये है शुल्क बोर्ड, तो यहाँ पर देख सकते हो प्रति व्यक्ति 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये लगेंगे और विदेशी नागरिक के जो है 350 रुपये हैं। और आप बाइक वगैरह या स्कूटर वगैरह लेके आते हो तो उसके 20 रुपये चार्ज होगा, एंड जीप और कार लेके आते हो तो उसका 100 रुपये चार्ज होगा। तो आप देख लेना, ठीक है। और मंदिर में घूमने का कोई चार्ज नहीं है, सामने मंदिर है। तो पहले हम सबसे पहले मंदिर में घूम लेते हैं और उसके बाद जो झील वगैरह हैं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं अंदर। जब आप इस गेट से अंदर प्रवेश हो गए तो आपको जो मेन टेंपल है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी के अंदर जो शिवलिंग है इसी के अंदर रखा हुआ है और उसी की पूजा की जाती है यहाँ पर। तो चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। हर हर महादेव।
जय हो भोले बाबा। तो गाइस यही शिवलिंग है जो मैंने आपको बताया था, उनकी जो यहाँ पर पूजा की जाती है तो इन्हीं की पूजा की जाती है, और मेन मंदिर जो है इनका यही है यहाँ पर, और इन्हीं यहाँ पर पूजा जाता है। देखा मैंने बहुत कोशिश की थी अपनी जेट में भरने की, लेकिन मेरी जेट में नहीं आए। लेकिन जो मेरे भैया जो वीडियो शूट कर रहे थे, वो मैंने उनसे अपना फ़ोन ले लिया, वो चले गए यहाँ से। फिर से मैंने कोशिश की थी तो मेरी जेट में फिर ये आ गए थे। सच में भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ये मंदिर है, मंदिर में मैं झूठ नहीं बोलूँगा। चीज देखने के लिए शिवलिंग है, शिवलिंग को जरूर देख के जाना गाइस। और भी गाइस यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ पर एक और दुर्गे माता का मंदिर है, यहाँ पर देख सकते हो छोटा सा बना हुआ है, एंड वहाँ पर भी है। इस प्रकार से यहाँ पर कई सारे मंदिर बने हुए हैं छोटे छोटे, और यहाँ पर ये कुटिया है, यहाँ पर बाबा रहते हैं एक, और वहाँ पर भी एक छोटा टेम्पल है, और यहाँ पर भी एक। सो गाइस कुछ इस प्रकार का यहाँ पर नज़ारा है। और अब चलेंगे, देखते हैं झील में, झील में अंदर जाना अलाउ होगा तो मैं आपको झील के अंदर भी आपको घुमाऊँगा। अंदर जाना भी अलाउ नहीं है, मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नवंबर या सितंबर में आना भाई, क्योंकि झील वगैरह यहाँ की जो है सूखी पड़ी हुई है, उनमें पानी नहीं है, ना कोई पक्षी देखने को मिलेगा आपको। तो अंदर जाना भी बिल्कुल बेकार है, आपके जो है 30 रुपये बेकार जाएंगे। तो उन्होंने भी मुझसे मना कर दिया है। तो आप भी आ रहे हो तो यहाँ पर झील देखने के मूड में आ रहे हो तो अभी फ़िलहाल में मत आना। और आपको यहाँ पर घूमने आना है तो आ सकते हो, मंदिर तो फिलहाल में अभी देख के जा सकते हो, मंदिर का कोई भी चार्ज नहीं है। और यहाँ पर जो है काफ़ी बड़े बड़े खजूर के पेड़ हैं, उन्हें भी आप देखकर जा सकते हो। और आपको झील वगैरह देखनी है तो आपको नवंबर या सितंबर में ही आना है, और जब भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगेगा झील वगैरह देखने में, और जब भी यहाँ पर आपको जो है पक्षी वगैरह देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में लिखो हर हर महादेव, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि कोई मैं नई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।